अगर आपने इस सीरीज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। अब आगे। अगले दिन तेलगी तुकाराम से एक और मीटिंग करता है और इस बार उसे आने वाले इलेक्शन में ज्यादा पैसे देने की बात करता है अगर वो उसे लाइसेंस दिलवा दे तो। तुकाराम फिर तेलगी को यूनाइटेड शक्ति पार्टी की हेड ऑफिस ले जाता है उनकी लीडर गरिमा तलपड़े से मिलवाने। तेलगी उन्हें इलेक्शन में जिताने के लिए पैसों की हेल्प करने का वादा करता है और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस करके तेलगी को उनका रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है और अब तो वो कस्टम ऑफिस का ऑफिसर भी तेलगी को लाइसेंस दिलवाने के लिए मजबूर हो जाता है। लाइसेंस आते ही वो पहले कौशल से मिलता है अपने झगड़े मिटाने के लिए, लेकिन वो तेलगी से अभी भी नाराज था और वो उसे अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। तेलगी अब अपनी नई कंपनी शुरू करता है और पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से उसका बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने भाई और तुकाराम के एनजीओ के दो लड़कों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है। अब यहां से तेलगी बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है। वो पॉलिटिशियन, पुलिस, कस्टम ऑफिस और भी ना जाने कितने ही लोगों को अच्छे पैसे दे रहा होता है। अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदता है और साथ ही साथ एक नई गाड़ी भी लेता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन गरिमा मैडम इलेक्शन हार जाती है लोकतंत्र सेक्युलर पार्टी के लीडर इनामदार भाव के सामने, तो तेलगी भी अब सीधा उनसे हाथ मिला लेता है और गरिमा मैडम की पार्टी की फंडिंग रोक लेता है। वो कस्टम ऑफिसर उसे वॉर्न भी करता है कि ऐसे डायरेक्टली किसी भी नेता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए, इसका नतीजा आगे जाकर काफी भारी पड़ सकता है, लेकिन तेलगी उसकी बात नहीं मानता और इनामदार सर के लिए बैकडेटेड स्टैंप पेपर रेडी करता है जिनकी कीमत लाखों में होती है। ये बैकडेटेड स्टैंप पेपर इनामदार साहब को दो भाइयों के बीच में चल रही लड़ाई के लिए चाहिए होता है जो कि अपने पापा के मिल के लिए चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गरिमा मैडम वही बैकडेटेड स्टैंप पेपर का मामला सीधा असेंबली में छेड़ देती है और इसके इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है, क्योंकि उनकी भी नजर उन दोनों भाइयों के केस में ही होती है और स्टैंप पेपर का मामला आते ही वो समझ जाती है कि ये तेलगी का ही काम होगा। गरिमा मैडम उसी कस्टम ऑफिसर की हेल्प से उसी कस्टम ऑफिसर को तेलगी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करती है और तेलगी की स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस को भी रद्द करवा दिया जाता है और तेलगी को जेल की सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ पुलिस वैन में बैठने से पहले ही लॉयर और पुलिस वाले मिलकर उसे वहां से भगा देते हैं, मगर फिर से गरिमा मैडम के प्रेशर में उन्हें कुछ टाइम बाद तेलगी को अरेस्ट करना ही पड़ता है और उसे आर्थर रोड जेल में अरेस्ट करके भेज दिया जाता है। वहीं जेल में सब उसे बहुत मानते थे, जहां उसे एक आदमी मिलता है अब्दुल। अब्दुल एक मैकेनिक है और वो तेलगी की हेल्प करता है जब तेलगी बेहोश जाता है। तेलगी को जेल में डायबिटीज हो गई होती है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन अब्दुल उसे नासिक में एक नए बिजनेस के लिए इनवाइट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौशल ने उसे अपने बिजनेस के लिए इनवाइट किया था जेल में। क्योंकि अब्दुल कुछ टाइम में ही जेल से बाहर आने वाला होता है, तो वो तेलगी को अपना नंबर और अपना कॉइन देता है ताकि तेलगी उसे भूल ना जाए। सच में जेल में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। खैर, कुछ टाइम बाद शौकत भाई तेलगी की बेल करवा देता है और उसे दिया और नफीसा से दूर रहने को कहते हैं, यहाँ तक कि वो तेलगी को नफीसा को तीन तलाक कहने को भी बोल देता है क्योंकि उन्हें अब तेलगी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन तेलगी उनकी बात नहीं मानता और नफीसा और दिया को फिर से अपने घर ले आता है। अब तेलगी का लाइसेंस तो वापस मिलने से रहा, तो वो अपने भाई को अपनी अम्मी के पास खानपुर भेज देता है और अपना बिजनेस परमानेंटली शट डाउन कर लेता है। कुछ टाइम बाद तेलगी को अब्दुल की याद आती है और वो उससे मिलने नासिक चला जाता है, जहां अब्दुल उसे भापत और छात्रे से मिलवाता है जो कि नासिक प्रेस में ही काम करते हैं। दरअसल नासिक प्रेस में ही इंडिया के सारे स्टैम्प पेपर क्रिएट होते हैं और जब उनकी प्रिंटिंग मशीन खराब हो जाती है तो उसे डिसमेंटल करके अलग अलग कंपनीज को बीडिंग करके सेल कर दिया जाता है, मगर अब्दुल का प्लान ये नहीं है। दरअसल भापर और छात्रे वहां स्टैम्प की क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में होता है, जिन्हें की हर स्टैम्प पेपर को चेक करना होता है और डिफेक्टिव स्टैम्प पेपर को निकालना होता है। मतलब की स्टैम्प पेपर को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इनका प्लान ये था कि वो रिजेक्टेड स्टैम्प पेपर में कुछ अच्छे स्टैम्प भी ऐड कर देंगे और अब्दुल और तेलगी उन अच्छे स्टैम्प को मार्केट में बेच आएंगे। लेकिन तब तेलगी उनसे पूछता है कि तुम कितने स्टैम्प पेपर हर रोज चुराना चाहते हो, तो उनका जवाब होता है करीबन 600 से 700। और जब तेलगी पूछता है कि एक दिन में जेन्युइन रिजेक्टेड स्टैम्प पेपर कितने निकलता है, तो वो कहते हैं 50 से 60। ये सुनते ही तेलगी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि रिजेक्टेड स्टैम्प पेपर का नंबर 50-60 से सीधा 600 पहुंचने पर उनकी चोरी तुरंत ही पकड़ी जाएगी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब इतने सारे रिजेक्टेड स्टैम्प पेपर को रीचेकिंग के लिए मंगवाया जाएगा तब वो लोग क्या करेंगे। और तेलगी वहां से गुस्से में चला जाता है। अब्दुल उसे समझाता है और कहता है कि वो बिजनेस तो करना चाहता है,
अगर उसके पास इससे बेहतर प्लान है तो वो उन्हें बता सकता है। एलगी कहता है कि इतनी बड़ी चोरी हर रोज करने के लिए उन्हें वहां के सीनियर ऑफिसर को अपने टीम में शामिल करना होगा। अब्दुल फिर उसे मधुसूदन मिश्रा के बारे में बताता है, लेकिन वो बहुत ही सख्त किस्म का आदमी होता है और उसे कई बार कई लोगों ने करप्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसमें कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। तभी तैलगी का ध्यान प्रिंटिंग मशीन पर पड़ता है जो कि ऑक्शन के लिए आई होती है, और तैलगी यहाँ मधुसूदन को अपने टीम में शामिल करने से कैंसिल कर देता है और एक नया प्लान बनाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। हम जल्दी इसके अगले पार्ट्स को भी लाएंगे, तब तक आप हमारे दूसरे फाइनेंशियल वीडियोस को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।